हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या उसके परिवार में किसी को हार्ट फेलियर है तो खाना खाते समय किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, आज इस पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस फूड चॉइसेस पर, फूड सिलेक्शन पर या बेस्ट फूड वर्स्ट फूड्स पर किए हैं, पर आज हम बात करेंगे खाना खाते समय क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप वो स्पेसिफिक प्रिकॉशंस ले पाएँ और अपने हार्ट फेलियर को बिगड़ने से बचा सकें। आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको या उनके परिवार में किसी को हार्ट फेलियर है या हार्ट की कोई भी बीमारी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और टेक होम मैसेज हम जो आपको लास्ट में देंगे वो ज़रूर देखें और टॉपिक को ज़रूर एंड तक देखें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करें। हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये रहता है कि यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं खाने को निगलने के लिए या उसके पहले या उसके बाद में, तो दिन भर का आपका जो पानी का कंट्रोल है वो बिगड़ जाता है। अक्सर हार्ट फेलियर पेशेंट्स को हिदायत दी जाती है कि दिन भर का पानी इनटेक मैक्सिमम 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो इससे ज़्यादा पानी लेते तो हार्ट फेलियर के बिगड़ने का चांस होता है। जितना ज़्यादा जिसको सीवियर हार्ट फेलियर होगा उतना उसको सीवियर हार्ट फेलियर के लिए पानी रिस्ट्रिक्शन करने को बोला जाएगा। अगर हार्ट का पंप क्षमता अच्छी है, 45-50% है, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सांस फूलने का प्रॉब्लम नहीं है तो, यदि पंप क्षमता बहुत कम है या 20-25% है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बोला जाएगा। ऐसे लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि खाना खाते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिए, दिन भर की जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उस पर भी विशेष ध्यान देते रहें। अगला इंपॉर्टेंट रूल ये, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाएं। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खाना खाते हैं, पूरा पेट भर के अगर हम खाना खाते हैं, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है ताकि खाने का पाचन हो पाए, क्योंकि ये सारा जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए अपना ब्लड लगता है और ये ब्लड हार्ट को पूरे शरीर से यानी ब्रेन से, लीवर से, किडनी से, सब जगह से खींच के डाइवर्ट करके पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि खाने का पाचन हो पाए। तो यदि आप असीमित मात्रा में यानी बहुत मात्रा में अगर खाना खाते हैं तो बॉडी को इसको एडजस्ट करना या मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि कम मात्रा में खाना खाइए, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना मत खाइए। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, खाने को चबा चबा के धीरे धीरे करके खाइए, इससे खाने का पाचन अच्छा होगा। पेट को और आंतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा फूड के साथ घर्षण नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि पेट का वर्कलोड बढ़ जाता है, आंतों का वर्कलोड बढ़ जाता है। तो खाने को प्रॉपर धीरे धीरे करके चबा चबा के खाइए, इससे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हार्ट के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा कोशिश ये करिए कि नमक को भी कम मात्रा में लीजिए। यदि आप नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते तो वो भी एक्स्ट्रा पानी को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से शरीर का पानी बढ़ जाता है और यदि आप एक्स्ट्रा पानी शरीर में रखते हैं तो हार्ट फेलियर बिगड़ता है। ये एक्स्ट्रा पानी लंग्स में, लिवर में, सब जगह भर जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलने का प्रॉब्लम बिगड़ सकता है। तो खाने के दौरान आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक ना जाए। हर्ब्स को, स्पाइसेस को, नींबू पानी को, विनेगर को, ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप खाने में फ्लेवर्स डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें शरीर में पानी को रिटेन नहीं करती हैं, तो कंपैरेटिवली हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए ज़्यादा सेफ है। इनको आप यूज़ कर सकते हैं नमक के बदले। तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नमक ना लें। यदि खाना खाने के बाद आपको पेट में दर्द होता है, हार्ट में दर्द होता है या आपको धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, तो ये हार्ट फेलियर का सिम्टम हो सकता है। कई बार बहुत एक्सेसिव लोड खाने का या अन्य पदार्थों का बॉडी झेल नहीं पाती है, हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि जब ब्लड सप्लाई डाइवर्ट हो तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो हार्ट में पेन चालू हो सकता है। तो अगर इस तरह का आपको खाना खाने के बाद कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये साइन हो सकता है कि हार्ट फेलियर बिगड़ रहा है, ये साइन हो सकता है कि नलियों के ब्लॉकेजेस बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग को डॉक्टर से डिस्कस करने की या कंसल्ट करने की आवश्यकता है कि उनकी कंडीशन बिगड़ रही है और उनको खाने पीने में क्या और प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, दवाइयों के मामले में क्या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, ये आपको पता चलेगा। तो इसलिए अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को मिलिए। इसके अलावा क्या खाना आप खा रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। आप फैट फ्री प्रोटीन्स लीजिए, यानी कि कोई वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जैसे टोफू है, सोयाबीन है, दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, इनको ज़्यादा खाइए। इसके अलावा अगर नॉनवेज फूड ले भी रहे तो फैट फ्री यानी कि चिकन है, टर्की है, फिश है, ऐसी चीज़ें जिसमें फ़ैट हटा दिया गया है वैसी चीज़ें ले सकते हैं। सब्जियां ज़्यादा खाइए, फल ज़्यादा खाइए, होल ग्रेन ज़्यादा खाइए, हेल्दी फैट्स जैसे नट्स है, एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल है, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए। अनहेल्दी फैट्स और अनहेल्दी चीज़ों को मत लीजिए। बैलेंस डाइट लीजिए यानी कि संतुलित आहार रखिए जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का
पर्याप्त मात्रा में सही प्रोपोर्शन हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं हो। इसके अलावा फूड लेबल्स को प्रॉपरली पढ़िए, किस फूड में क्या चीज़ है, कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, कितना प्रोटीन्स है, कितने प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले गए हैं, ये सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स जिस भी खाद्य पदार्थ में डले हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड है, वो हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए विशेष ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ों को आप उल्टा अवॉइड करिए। खाने को प्रॉपरली बॉइल करिए, कुक करिए, अच्छी तरह से उसको पकाइए, बिना बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करिए, सही टेम्परेचर पे उनको पकाइए और सही तरह से उनको हैंडल करिए ताकि खाने में इन्फेक्शन ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि सही तरह से खाने को नहीं पकाया जाता, लंबे समय तक फ्रिज में रख दिया जाता है तो उसमें कीटाणु होने का चांस होता है और हार्ट फेलियर पेशेंट्स की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ऐसे केस में इस तरह का खाना खाने से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर आप खाना कोई भी बना रहे हो तो पकाने के तरीके, स्टोर करने के तरीके और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप पकाने के दौरान डाल रहे हैं, ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डाइटरी सप्लीमेंट जिसमें पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, हेल्दी प्रोटीन्स हो, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो इनसे भी आपको हार्ट को फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हार्ट के लिए हेल्दी है, ये सारी चीज़ों पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सेपरेट वीडियोज़ किए, हमारे चैनल के डाइट के प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक का टेक होम मैसेज ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो वो पानी कम रखे, नमक कम रखे, सीमित मात्रा में खाना खाए, चबा चबा के खाना को खाए, बहुत ज़्यादा बातें करते हुए या बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होकर ओवर ईट मत करें। क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, इस पर भी फोकस करिए। बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले खाना मत खाइए, हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन लीजिए, संतुलित आहार लीजिए। यदि कोई सिम्टम्स हो रहा है, जैसे खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, तो उसे मॉनिटर करिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाइए ताकि सिम्टम्स बिगड़ने से पहले या कंडीशन बिगड़ने से पहले सही ट्रीटमेंट किया जा सके। आज के टॉपिक में हमने हार्ट फेलियर में खाना खाने के दौरान टिप्स पर बात करी। यदि हार्ट फेलियर के दौरान क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फूड चॉइसेस पर आप वीडियोस चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।